Hello everyone, I welcome you all to Unacademy Studio Rise, which is again India's largest channel for UPSC preparation. आज का जो टॉपिक है अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आपने टाइटल देख ही लिया होगा. तो ये जो हरिकेन डोरियन है ये यूएसए को हिट करेगा. कल या आज भी थोड़ा प्रेजेंस दिख रहा है. कल या परसों तक ये जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पे जो ये हरिकेन डोरियन है अगर ये हिट कर रहा है तो यहाँ से क्या क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं. पहली चीज़ तो ये है, आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए इन जनरल कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हरिकेन, साइक्लोन एंड टाइफूंस. तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन. यू शुड ऑल्सो नो कि जो मैकेनिज्म है जो फॉर्मेशन का है ट्रॉपिकल साइक्लोन का वो क्या है. नेमिंग साइक्लोन्स की कैसे की जाती है और साइक्लोन्स की जो कैटेगरी है वो कैसे डिफाइन होती है. तो ये सारे एस्पेक्ट से रिलेटेड वी हैव टू डिस्कस. बिकॉज जैसे ही इस टाइप के जब कोई साइक्लोन आ रहा है, कोई टाइफून आ रहा है या कोई हरिकेन हिट करता है तो ये चीज़ न्यूज़ में आ जाती है इन जनरल. तो इन जनरल हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकते हैं. बट अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन उठा के देखो तो साइक्लोन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं. तो यहाँ पे आप ये सोचो कि ये जो करेंट अफेयर है, ये करेंट अफेयर का इशू बेसिकली इट इज़ जस्ट अ थीम और इस थीम पर कई सारे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकते हैं और अलग अलग जो आस्पेक्ट है रिलेटेड विद हरिकेन डोरियन वी विल डिस्कस अबाउट इट. विल ऑल्सो डिस्कस द मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन. वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन. ऑल्सो द कैटेगरीज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड हाउ यू इन जनरल हाउ द नेमिंग ऑफ साइक्लोन इज डन. इन ब्रीफ यू विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो. सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाई मी. My name is Saurabh Pandey. I have 5 years teaching experience, worked as a senior UPSC faculty in online platforms, qualified exams like National Eligibility Test and Junior Research Fellowship, did MA in Public Administration, BTech in Biotechnology, gave UPSC interview, plus 3 IAS mains and RS mains. Before I start, let me tell you about our Plus platform. अगर आप UPSC की preparation कर रहे हैं तो आप हमारे Plus platform का use कर सकते हैं. ये एक ऐसा platform है जहाँ पे सारे educator almost 80 प्लस जो आपके एजुकेटर्स हैं वो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनकी लाइव क्लासेस जो है वो कंडक्ट करते हैं. तो उन लाइव क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं और अपना जो सिलेबस है यूपीएससी से रिलेटेड उसको पूरा कर सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू एस्पेक्ट हो, टेस्ट सीरीज हो या फिर ऐसे राइटिंग हो. तो हर एक एस्पेक्ट इस प्लेटफॉर्म में आपके लिए अवेलेबल है. तो आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं. जैसे अगर आपको इकोनॉमी करनी है तो आप मृणाल सर की क्लासेस कर सकते हैं. साइंस एंड टेक करनी है तो आपका जैसे फॉर एग्जांपल रोमन सैनी सर हैं. पॉलिटी है तो रंगराजन सर हैं, सिद्धार्थ अरोड़ा सर हैं, जतिन सर हैं. ज्योग्राफी के टीचर्स हैं बहुत सारे, तो जैसे अमित गर्ग सर हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जिनकी आप क्लासेस कर सकते हैं और अपना जो सिलेबस है उसको पूरा कर सकते हैं. इसके अलावा मेरा भी करेंट अफेयर का कोर्स चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर का कोर्स है जो कि आपका सेप्टेम्बर 2 से स्टार्ट हो चुका है और इसमें मार्च 18 से लेकर 2020 तक का करंट अफेयर इन पैरेलल कवर किया जाएगा. तो इसमें ऐसे जो टॉपिक्स है जैसे आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं तो ये क्या है, ये करंट अफेयर का टॉपिक है. लेकिन अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपकी अप्रोच क्या रहती है, इन जनरल आपका क्या सोचना रहता है कि ठीक है एक हरिकेन ने हिट किया तो उसका आपने जान लिया किस रीजन पे उसने हिट किया, लेकिन उससे जो स्टैटिक टॉपिक डिराइव होते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं और प्रश्न जो है ये क्वेश्चन आपका वहीं से उस स्टैटिक एस्पेक्ट से डिराइव होता है. इन द सेंस करंट अफेयर सिर्फ आपको एक थीम देती है और उस थीम से जो इशू अराइज होता है वहां से क्वेश्चन पिक किए जाते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऐसा ही अप्रोच, मतलब जो अप्रोच है करंट अफेयर्स का वो इशू बेस्ड है. तो ये कोर्स आपका लगभग शुरू हो चुका है तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें. ऑलमोस्ट अगर मार्च 2018 से लेके अब तक अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 500 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इन जनरल हमने शायद उसको इतना अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा हो. कई सारे टॉपिक्स इंटरनेशनल जर्नल्स में भी आए हैं एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड. कई सारे टॉपिक्स आपके डाउन टू अर्थ मैगजीन, योजना कुरुक्षेत्र, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना चाहिए तो वहाँ से टॉपिक्स आए हैं. तो सारे टॉपिक्स आपको इस कोर्स में कवर कराए जाएंगे तो इसको आपको मिस नहीं करना है. अभी आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप अनअकैडमी का जो ऐप है उसको डाउनलोड करो और ये जो आपका अनलॉक 7 days फ्री ट्रायल है तो जैसे अगर आप कल से फ्री ट्रायल करते हैं तो जो नेक्स्ट 7 days तक आप क्लासेस फ्री में अटेंड कर सकते हो. तो 11 AM को ये करंट अफेयर की क्लास होती है तो एटलीस्ट आप कोशिश करो कि क्लासेस को अटेंड करो रेगुलरली. क्लासेस जब आप अटेंड करोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि किस टाइप से क्लासेस कंडक्ट होती है, टीचर से भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो जानने को भी काफ़ी मिलेगा. एटलीस्ट 7 days में आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो. तो इन क्लासेस को आपको
जरूर से ज्वाइन करना है। जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे अगर आप 7 डेज़ का आपका पीरियड ख़त्म हुआ तो वहाँ पे अगर जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका टेस्ट सीरीज़ भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। साथ में हर महीने आपके नए नए कोर्सेस आते हैं, चाहे वो ऑप्शनल से रिलेटेड हो या अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड। अब प्रश्न ये आता है कि आपको ज्वाइन कैसे करना है, तो इस रेफरल कोड को याद रखना है, SPLIVE। आपको इस रेफरल कोड को यूज़ करना है, तो इसमें आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल रहेगा। इसका मतलब पूरे साल के लिए आप UPSC के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो कोर्सेस हैं उनके कोर्सेस की लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस टेक, IAR, GS पेपर 1, 2, 3, 4, ऑप्शनल, ऐसे सारी चीज़ें आप अटेंड कर सकते हैं। और जैसे ही आप SPLIVE रेफरल कोड यूज़ करेंगे ये अमाउंट भी रिड्यूस हो जाएगा बाय 10%। तो इसका आप बेनिफिट ज़रूर उठाओ, और इस पर आप मेरा जो कोर्स है वो तो अटेंड कर ही पाएंगे, साथ में दूसरे जो एजुकेटर्स हैं उनके कोर्सेज भी कर सकते हैं। इसका मतलब सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज आप पूरे साल तक अटेंड कर सकते हैं, जो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस फीस को डिवाइड करें जितने सब्जेक्ट आपको UPSC के लिए पढ़ना है, तो आपको खुद लगेगा कि जो स्कूल टाइम पर आप ट्यूशन फीस पे करते थे उससे भी कम अमाउंट आएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं, मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं, मतलब IT सेक्टर में काम कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर, या फिर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तो वो फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म का। इन द सेंस ये जो स्कीम है 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, इसमें भी अगर आप SPLIVE रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो ये जो अमाउंट है दिस अमाउंट विल अगेन रिड्यूस बाय 10%। तो आप इसका जरूर बेनिफिट उठाओ और अपनी प्रिपरेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि आप क्योंकि टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हम जो ये हरिकेन डोरियन है उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, बट बेसिक जो एस्पेक्ट है रिलेटेड विथ हरिकेन या टाइफूंस या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप जो भी आप जहाँ भी नोट्स आप बनाते हैं उसको साथ में रखो और उसको साथ साथ नोट डाउन भी करते चले जाना। तो देखो, पहला जो प्रीलिम्स का बेसिक क्वेश्चन अराइज होगा कि ये जो आपका हरिकेन डोरियन है ये कहाँ पर फॉर्म हुआ है, इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है। तो आपके पास अलग अलग सीज हैं, जैसे अगर यहाँ पे देखो तो दिस इज़ पैसिफिक ओशियन, दिस इज़ एटलांटिक ओशियन, दिस इज़ इंडियन ओशियन, दिस इज़ इंडियन ओशियन। तो आपका ये जो हरिकेन डोरियन है ये आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये जो रीज़न आपको दिख रहा है इस रीज़न पे ये फॉर्म हुआ है, और ये बहामस है और यहाँ से ये इस रूट को फॉलो कर रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि कहाँ फॉर्म हुआ है, तो इसका आंसर है ये बेसिकली कहाँ पे फॉर्म हुआ है, अटलांटिक ओशियन में फॉर्म हुआ है। तो अगर आप इसको पूरा देखो इस मैप को ध्यान से, तो ये बहामस है और ओरिजिन के बाद इसका ये पूरा रूट ये फॉलो होगा। तो कैरोलिना, नॉर्थ और साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, ये जो USA की जो स्टेट्स हैं ये बेसिकली इससे अफेक्ट होंगे। दूसरी चीज़, अगर आप इस सेम पिक्चर को एक बार और देखो तो सेम एस्पेक्ट को हाईलाइट किया जा रहा है कि धीरे धीरे इसकी स्पीड भी इंक्रीज होगी धीरे धीरे इस तरीके से, और ये पूरा का पूरा जो रीज़न है USA का, ये पूरा रीज़न इसमें अफेक्ट होगा। तो September 7 तक आपका ये जो हरिकेन डोरियन है ये बेसिकली यहाँ तक फॉर्म होगा। अभी ऑलरेडी September 2 और 3 हो चुकी है, तो ये अभी अगर इस समय अगर आप पोजीशनिंग देखो इस हरिकेन डोरियन की, तो इसकी पोजीशनिंग इस समय यहाँ पे है और धीरे धीरे यहाँ पे 5 सितंबर तक आएगा ये, फिर 6 तक यहाँ पे आएगा और 7 तक यहाँ पे आएगा, और फिर ये साइक्लोन आपका, ये जो साइक्लोन है या फिर जो हरिकेन है ये डाई कर जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ट्रैक है इसका जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो, एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम बात करते हैं तो आपने कई सारे वर्ड्स सुने होंगे, फॉर एग्जांपल हरिकेन्स, टाइफून्स, साइक्लोन्स, ये चीज़ें हमने सुनी हुई हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है कि जो साइक्लोन्स होते हैं, है ना, साइक्लोन्स जिसे हम कहते हैं, तो ये जो साइक्लोन्स सिर्फ 2 तरीके के होते हैं। एक साइक्लोन होता है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वी कॉल इट एज ट्रॉपिकल साइक्लोन, और इन हिंदी वी कॉल इट एज उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। एंड द अदर कैटेगरी इज टेम्परेट साइक्लोन, द अदर कैटेगरी इज टेम्परेट साइक्लोन्स। ये 2 तरीके के आपके साइक्लोन्स होते हैं। अब देखो, एक चीज़ ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनकी क्या कंडीशंस होती है, कैसा मैकेनिज्म होता है, हम अभी डिस्कस करेंगे। टेम्परेट साइक्लोन हम कभी और डिस्कस करेंगे, ऑल दो आई विल टेल यू इन ब्रीफ, क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करो तो उसके डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं, जैसे हरिकेन्स, साइक्लोन्स और टाइफून्स। ये क्या है, इनको हम कहते हैं दीज आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जैसे अगर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन इस इलाके में अटलांटिक ओशियन में ऑकर करते हैं या फिर पैसिफिक ओशियन के ईस्टर्न रीजन में ऑकर करते हैं, वी कॉल देम एज हरिकेन्स।
ठीक है, ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो इस रीजन में ऑकर कर रहे हैं या फिर इस रीजन पे ऑकर कर रहे हैं, वी कॉल देम एज हरिकेन्स। इसके अलावा ऐसे साइक्लोन्स जो इस रीजन में ऑकर कर रहे हैं, जो इंडियन ओशन रीजन है, वी कॉल देम एज साइक्लोन इन जनरल, ठीक है। और जो आपके वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रीजन में ऑकर करते हैं, जैसे जापान का रीजन है या फिर चाइना का रीजन है, वी कॉल देम एज टाइफूनस, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब कैटेगरीज, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि हरिकेन्स क्या है, तो हरिकेन्स ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन या फिर अटलांटिक ओशन में ऑकर करते हैं, उनको हम हरिकेन्स कहते हैं। ऑल दो इनकी इंटेंसिटी और दूसरी चीज़ों में थोड़ा सा वेरिएशन होता है व्हेन यू कंपेयर हरिकेन्स एंड टाइफूनस इन जनरल। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि टाइफूनस क्या है, दीज आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विच ऑकर इन दिस पर्टिकुलर रीजन विच वी कॉल इट एज वेस्टर्न पोर्शन ऑफ पैसिफिक ओशन। तो ये बेसिक आस्पेक्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, सेम आस्पेक्ट है, यहाँ पे हम कह रहे हैं हरिकेन्स, इस रीजन पे हरिकेन्स हैं, यहाँ पे आपके साइक्लोन्स इन जनरल, और ये जो रीज़न है, यहाँ जो ये जो रीज़न है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का, वी कॉल देम एज टाइफूनस। तो ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक अगर आप वर्ड देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट वी आर सेइंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल वर्ड है एक लिखा है और साइक्लोन, दो वर्ड को कंबाइन करके इसको बनाया गया है। व्हेन यू टॉक अबाउट साइक्लोन्स इन जनरल, तो दे आर व्हाट, दे आर लो प्रेशर एरियाज, लो प्रेशर एरियाज हैं, या फिर आप कह सकते हो कि ये काइंड ऑफ डिप्रेशंस हैं जो प्रेजेंट है, ठीक है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रॉपिकल, है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रॉपिकल इन जनरल, तो क्या है, जैसे अगर आप अर्थ को ऐसे देखो तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इस रीजन को हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। तो ऐसे साइक्लोन्स जो इन कंडीशंस में फॉर्म होते हैं, इन कंडीशंस में जो फॉर्म होते हैं, इन जनरल वी कॉल देम एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। मतलब ऐसे साइक्लोन्स जो कंडीशंस ट्रॉपिकल वाले रीजन में, ट्रॉपिक्स के रीजन में अवेलेबल हैं, वहाँ पे जो साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं, वी कॉल देम एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और जो साइक्लोन्स आपके इसके बियॉन्ड टेम्परेट रीजन में फॉर्म होते हैं, मतलब टेम्परेट रीजन की जो कंडीशंस हैं वहाँ पे जो फॉर्म होते हैं, वी कॉल देम एज टेम्परेट साइक्लोन्स। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। इन टेम्परेट साइक्लोन वो एक सेपरेट टॉपिक, एज आई टोल्ड यू, वहाँ पे फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे फ्रंट एयर मासेस ये सारी चीज़ें समझना है। बट आज का जो हमारा डिस्कशन है, दैट इज़ रिलेटेड विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि हरिकेन जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो आज हम मेनली उस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इस जगह पे देखो, तो ये जो ट्रॉपिक्स है, तो ट्रॉपिक्स में क्या कंडीशंस हैं, पहली चीज़ जो ट्रॉपिक्स में है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हाई टेम्परेचर, है ना, फर्स्ट इज़ हाई टेम्परेचर, और ये जो हाई टेम्परेचर है ये अवेलेबल है। दूसरा जो कंडीशन अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, मतलब जो ओशियंस हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है। तो ओशन ऐसा नहीं है कि ओशन सिर्फ इसी रीजन में प्रेजेंट है, ओशियंस इधर भी प्रेजेंट है, लेकिन ये जो पहली कंडीशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन की, जिसमें अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए, वो कंडीशन आपके इस रीजन के बियॉन्ड होना मुश्किल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। तो पहली कंडीशन ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन, कहीं पे 26 डिग्री भी लिखा रहता है, बट इन जनरल हम लेते हैं दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी जो कंडीशन है, दैट इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर जो साइक्लोन के लिए एक एनर्जी के रूप में काम करता है, तो ये दो कंडीशंस जो है वो आपको रिक्वायर्ड है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है हरिकेन के फॉर्मेशन के लिए, क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है साइक्लोन इन जनरल के फॉर्मेशन के लिए, क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है टाइफूनस के फॉर्मेशन के लिए, तो सभी का आंसर क्या होगा, सिंपल सा आंसर, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, सेम कंडीशन है। मतलब अगर कोई आपसे इनके कैटेगरी के बारे में, इन कैटेगरीज के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे, तो सेम आंसर होगा, क्योंकि ये सारे क्या हैं, ऑल आर, जैसे ये अगर आप इसकी बात करें, डोरियन की बात करें, तो ये भी क्या है, ये एक हरिकेन है, विच इज़ अगेन अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब यहाँ पे आई विल डिस्कस विथ यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि आप इसको नोट डाउन करते जाओ। वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हरिकेन फॉर्मेशन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ साइक्लोन इन जनरल, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टाइफूनस इन जनरल, सेम आंसर लिखना है ना। इसमें
कोई भी मतलब ऐसा नहीं कुछ डिफरेंट आपको लिखना है, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये जो प्रोसेस अगर अटलांटिक ओशन या ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में ऑकर होगा तो उसको हम हरिकेन्स बोलेंगे, और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये प्रोसेस ऑकर होगा तो उसे हम टाइफूंस बोलेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है जो आपके माइंड में होना चाहिए और जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो यहाँ पर ध्यान से नोट डाउन कर लो, है ना। सपोज दिस इज़ द वाटर बॉडी, दिस इज़ अ वाटर बॉडी। डायग्राम को ध्यान से अगर आप समझ जाएंगे तो यू कैन ईजिली, दिस इज अ वाटर बॉडी एंड दिस इज अगेन अ सन। जब सन की लाइट इस पर पड़ेगी, वाटर के ऊपर, किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर अगर लाइट पड़ती है तो व्हाट विल हैपन, ये आपका लिक्विड है, दिस इज लिक्विड। जब सन की लाइट इस पर पड़ेगी, है ना, सन की लाइट पड़ेगी और ऑन एन एवरेज जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, धीरे धीरे व्हाट विल हैपन, दिस वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। क्या होंगे, ये वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। मतलब जब लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये लिक्विड किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाटर वेपर क्या है, अगेन इट इज़ अ गैस, ये एक गैस है। तो ये जो वाटर वेपर है इट विल मूव अपवर्ड, इस तरीके से ऊपर की तरफ वाटर वेपर आपके मूव करेंगे। अब जब ये वाटर वेपर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देयर इज दिस कंसेप्ट विच वी कॉल इट एज नॉर्मल लैप्स रेट। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो एटमॉस्फेयर में, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो जो टेम्परेचर है वो आपका रिड्यूस होता है एट द रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो जो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर विल रिड्यूस। तो इसका क्या मतलब है कि एक तरीके से सन की हीटिंग हो रही है, हीटिंग की वजह से ये लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और जब ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान से समझना है कि व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, और जब ये वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाएगा, और क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा और जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाएगा तो टेम्परेचर आपका लो होता जा रहा है, क्योंकि एटमोसफियर में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर आपका कम होता चला जाएगा। तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो अगेन दिस गैस विल स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है, इससे क्या होगा, पहले जब लिक्विड ने हीट को एब्जॉर्ब किया तो वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में। अब दोबारा से जब वाटर वेपर हीट को रिलीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर वाटर वेपर जाएगा, ये गैस जब ये ऊपर जाएगी तो इससे क्या होगा, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो आपका लोअर है तो हीट रिलीज होगी। जब हीट रिलीज होगी तो इससे क्या होगा, अगेन दिस वाटर वेपर विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो जब ये वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब ये वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना शुरू होगा, तो ये क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। ठीक है, हीट रिलीज करेगा, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होगी, और जब ये हीट लार्ज अमाउंट में रिलीज होगी तो इस हीट की वजह से आपका जो लो प्रेशर है वो लो प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर जनरेट होगा। ठीक है, इट विल रिजल्ट इनटू व्हाट, इट विल रिजल्ट इनटू क्रिएशन ऑफ हाईली इंटेंसिफाइड लो प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। ये सब कुछ आसमान में हो रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ देखो तो आसमान में सारी चीज़ें ये हो रही है, मतलब है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे क्या है, वाटर वेपर ऊपर गया, अब क्योंकि टेम्परेचर इस एटमॉस्फेयर के अंदर लो है ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो नॉर्मल लैप्स रेट होता है, मतलब टेम्परेचर आपका कम होगा, तो ये वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो हीट रिलीज होगी, हीट जब रिलीज होगी तो इससे हाईली इंटेंसिफाइड लो प्रेशर जनरेट होगा, और ये प्रोसेस आपका महीनों चलता रहेगा। मतलब ये हीट होगा, वाटर वेपर ऊपर जाएगा, हीट रिलीज होगी, लो प्रेशर जनरेट होगा, ये प्रोसेस आपका महीनों चलता रहता है। ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन में ये ऐसा होता है, ये महीनों चलता रहता है, और ये टेम्परेचर आपका मेंटेन रहता है, और ऑन एन एवरेज तो ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। तो अब क्या है कि जब ये हाईली इंटेंसिफाइड लो प्रेशर हो जाएगा तो आप इमेजिन करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई पूल है, स्विमिंग पूल है, ठीक है, और स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है और पानी का निकलने की कहीं से जगह नहीं है। आपने सडनली क्या किया, एक कोई होल ओपन कर दिया, तो क्या होगा, सारा का सारा पानी उस होल के अंदर से निकलने की कोशिश करेगा। सेम चीज़ ये लो प्रेशर क्रिएट करता है। जब ये हाईली इंटेंसिफाइड लो प्रेशर क्रिएट होता है तो ये आसपास की जो हवाएं हैं जो हाई प्रेशर में हैं, ठीक है, आसपास की जो ये हवाएं हैं जो कि हाई प्रेशर में हैं, ये बेसिकली अट्रैक्ट होती है
बाय दिस हाईली इंटेंसिफाइड लो प्रेशर. ठीक है, तो आसपास की जो ज़्यादा दबाव की हवाएं हैं, मतलब हाई प्रेशर पे जो हवाएं हैं, वो हवाएं इस हाईली इंटेंसिफाइड लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं. अब जब ये अट्रैक्ट होती हैं तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम सीधा जाएंगी, है ना, ऐसा नहीं है कि ये सीधा जाएंगी. आपके पास एक फोर्स है जिसे हम कहते हैं कोरियोलिसिस फोर्स, वी कॉल इट एज कोरियोलिसिस फोर्स, जो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से जनरेट होता है. अर्थ की रोटेशन की वजह से जनरेट होता है. और इस फोर्स की वजह से क्या होता है, अगर आप देखो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स राइट ड्रिफ्टिंग होती है, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करो टुवर्ड्स लेफ्ट ड्रिफ्टिंग होती है, है ना. कोई भी चीज़ अगर मूव करेगी तो टुवर्ड्स राइट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ड्रिफ्ट करेगी, और टुवर्ड्स लेफ्ट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में ड्रिफ्ट करेगी. दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ कोरिओलिसिस फोर्स. तो क्या होगा कि ये जब हवाएं, जब ये लो प्रेशर की तरफ जाएंगी तो ये एकदम सीधा नहीं जाएंगी, है ना. ऐसा नहीं कि रिपब्लिक डे के परेड की तरह सीधे जा रही हैं, ऐसा नहीं होगा. ये क्या है, इस फोर्स की वजह से ये ऐसे ड्रिफ्ट करेंगी. ठीक है, हवाएं सीधे ना जाके ये ड्रिफ्ट करेंगी, और जब ये ऐसे ड्रिफ्ट करेंगी तो ये आपका इस वजह से, इस तरीके से आपकी वर्लिंग क्रिएट होगी, विच अगेन रिजल्ट इन टू अ हाईली इंटेंसिफाइड क्रिएशन ऑफ ए हाईली इंटेंसिफाइड साइक्लोन. ये चीज़ आपको ध्यान रखना. ये सिंपल सा प्रोसेस है, अगर आप इसको पढ़ना भी चाह रहे हो तो नासा की वेबसाइट में दे रखा है, तो आप इसको इन जर्नल पढ़ भी सकते हो, और ये हाईली एक्सेप्टेड डिस्क्रिप्शन है साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के लिए, और इजीली आप समझ भी सकते हो, ऐसा कोई डिफिकल्ट भी नहीं है. तो यहाँ पे कोरिओलिसिस फोर्स की वजह से आपकी जो वर्लिंग है वो वर्लिंग जनरेट होती है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी होता है कि जैसे ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के अलोंग आपका कभी भी साइक्लोन्स नहीं बनते हैं. इसका रीज़न क्या है कि 0 से 5 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, 5 डिग्री तक जो है कोरिओलिसिस फोर्स बहुत वीक होता है, इस वजह से यहाँ भी आपके साइक्लोन्स नहीं बनते हैं. 5 डिग्री के बियॉन्ड आपके साइक्लोन्स बनना शुरू होते हैं, चाहे टाइफूनस, हरिकेन्स, ऐसे. इसका रीज़न क्या है कि इक्वेटर के अलोंग जो कोरिओलिसिस फोर्स है वो ऑलमोस्ट 0 या बहुत मिनिमम आपका होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है. तो जब फॉर्मेशन के बारे में कोई पूछे तो आपको इसी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है. अगर सपोज दे आस्क यू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हरिकेन्स, सेम चीज लिखनी है, टाइफून सेम चीज लिखनी है, साइक्लोन इन जनरल सेम चीज लिखनी है, ऐसा नहीं है. जैसे कि हमने डिस्कस किया हरिकेन, टाइफून या साइक्लोन इन जनरल, वो क्या है, सेम कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, ऐसा नहीं कि वो थोड़ा सा डिफरेंट है. तो वो सारे के सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, और सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इसी तरीके से बनते हैं, इसलिए सेम डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है. सो इन जनरल व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, अगर आप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में बात करेंगे तो यू कैन रीड द डेफिनेशन. ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट ओवर अ वार्म ट्रॉपिकल ओशियन एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई विंड्स एंड हैवी रेन्स, है ना. तो आपका लो प्रेशर रहता है, हाई विंड्स और हैवी रेन्स, मतलब विंड स्पीड काफ़ी तेज रहेगी, हैवी रेन्स रहती हैं, जनरेट होती है. और यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी आपको कन्वे कर देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जब साइक्लोन ये बन जाता है, और जब ये साइक्लोन, सपोज ये साइक्लोन आपका यहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे ये क्रिएट हुआ, और जब ये साइक्लोन या हरिकेन्स जब इस लैंड के ऊपर आएगा, ये लैंड के ऊपर आएगा, तो इसको हम कहते हैं लैंडफॉल, वी कॉल इट एज लैंडफॉल. ठीक है, ये आपका लैंडफॉल है. तो जैसे अगर आप इस पिक्चर में देखो तो सेप्टेम्बर 4 पे यहाँ पे ये लैंडफॉल करेगा, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं. दूसरी चीज़ क्या है कि जब ये साइक्लोन या हरिकेन्स कभी भी लैंड एरिया के ऊपर आते हैं तो ये जो सप्लाई है मॉइस्चर की जो सप्लाई है वो आपकी कट हो जाती है. ठीक है, मतलब अगर ये वाटर बॉडी के एटमॉस्फेयर के ऊपर साइक्लोन जब प्रेजेंट है ना, इसको 3D पिक्चर इमेजिन करो, तो जैसे अगर ये वाटर बॉडी है, अगर इसके ऊपर साइड एटमॉस्फेयर में साइक्लोन प्रेजेंट है, तो कंटिन्यूसली आपका जो ये प्रोसेस आपका चलता रहता है, तो कंटिन्यूसली वाटर वेपर की सप्लाई रहेगी, और यही वाटर वेपर सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है, क्योंकि यही वाटर वेपर हीट रिलीज करेगा, जो कि अगेन सोर्स ऑफ एनर्जी है साइक्लोन के लिए. लेकिन जैसे ही ये साइक्लोन लैंड एरिया के ऊपर आ जाएगा, मतलब सपोज इस एरिया यहां पे आ जाएगा, तो ये मॉइस्चर की सप्लाई आपकी कट हो जाएगी. तो मान लो ये सप्लाई जैसे ही कट हुई तो इससे क्या है, साइक्लोन धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा और फिर वो डाई कर जाएगा. तो ये चीज आपको ध्यान रखना. तो इसलिए कई बार पूछते हैं कि लैंड के ऊपर साइक्लोन क्यों डाई कर जाते हैं, बिकॉज
साइक्लोन के लिए जो सोर्स है वो क्या है, मॉइस्चर है, इसीलिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर की ज़रूरत होती है जिससे साइक्लोन आपका बन सके। और जब ये लैंड के ऊपर जाएगा तो वो साइक्लोन को मॉइस्चर की सप्लाई नहीं मिलेगी और फिर वो डाई कर जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है कि स्पीड वेरी कर सकती है, कई साइक्लोन्स 240 किलोमीटर्स के, कई 320 किलोमीटर्स के ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग साइक्लोन्स के नाम हैं। नेक्स्ट अगर आप देखो सैफिर सिम्पसन स्केल की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज होती हैं साइक्लोन्स की कैटेगरीज अगर आपको ध्यान रखनी है तो जैसे फॉर एग्जांपल माइल्स या किलोमीटर पर आर के बेसिस में आपको याद रखने हैं, तो जैसे कैटेगरी वन का साइक्लोन जब विंड की स्पीड 119 किलोमीटर से लेके 153 किलोमीटर की होगी तो वी विल कॉल इट एज कैटेगरी वन साइक्लोन। कैटेगरी टू साइक्लोन कौन सा होगा, 154 किलोमीटर से 177 किलोमीटर पर आर का, इसी तरीके से कैटेगरी थ्री का 178 से 208 और कैटेगरी फोर का 209 से 251 किलोमीटर पर आर, और बियॉन्ड 251 किलोमीटर पर आर कैटेगरी फाइव का साइक्लोन होता है, सुपर साइक्लोन होता है। तो यहाँ पे अभी जो ये है ये इसे भी मतलब जो ये हरिकेन डोरियन है इसकी भी स्पीड काफ़ी तेज़ बताई जा रही है, हो सकता है कि कैटेगरी फोर या कैटेगरी फाइव तक पहुँच जाए, ये अभी देखने वाली बात है। तो जैसे एक साइक्लोन रस्टी आया था 2013 में, ये कैटेगरी थ्री का था। हरिकेन सैंडी आया था 2012 में, ये आपका ये भी इसकी स्पीड भी 155 किलोमीटर पर आर की थी। इस तरीके से साइक्लोन यस्सी आया था जो कि कैटेगरी फाइव का था जब इसने लैंडफॉल की थी, और इसी तरीके से हरिकेन कैटरीना जो है 2005 में ये कैटेगरी थ्री का था, बियॉन्ड इसकी स्पीड और इंक्रीज़ हुई थी लैंडफॉल के बाद, इसकी फर्दर स्पीड इंक्रीज हो गई थी और ये स्पीड अराउंड 280 किलोमीटर पर आर हुआ था हो गई थी, और स्पीड इस हाई स्पीड की वजह से बहुत सारी डेथ भी हुई थी और लॉस ऑफ लाइवलीवुड और प्रॉपर्टीज ये सब चीज़ें देखने को मिली थी। अब बात कर लेते हैं नेमिंग की। देखो साइक्लोन जैसे कोई अलग अलग कोई पूछे आपसे कि हुदहुद है ना, हुदहुद फैलिन कैटरीना, ये जैसे अलग अलग नाम है ना आपके, हरिकेन सैंडी रस्टी यस्सी, पहले तो ये है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ये हरिकेन्स है टाइफोन्स है साइक्लोन्स है इन जनरल, अभी इनके नाम भी अलग अलग रहते हैं। जैसे अब हरिकेन्स ऐसा नहीं कि जैसे अभी एक हरिकेन है, पहले जो 2005 में आया था उसका नाम कैटरीना था है ना, जैसे एक टाइफून आया था जीबे माइकल, इस तरह के मतलब आपने नाम सुने होंगे, अभी जो नाम है वो डोरियन है। तो अब मन में ये आएगा कि नाम क्यों ज़रूरी है, तो नेम इसलिए ज़रूरी है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि हम सभी लोग ह्यूमंस हैं, तो अगर मैं आपको कहूँ कि ए ह्यूमन तुम क्या कर रहे हो, तो आपको मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपका नाम लेता हूँ तो आपको ये रहेगा कि ये मेरे बारे में स्पेसिफिकली बात चल रही है। इसी तरीके से साइक्लोन्स तो लगातार आते रहते हैं, अगर आपने उनको नाम दे दिया है तो फ्यूचर में क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी कि जब वो साइक्लोन आया था तो आपने कैसे काम किया था, क्या गलतियां हुई थी उसमें, इम्प्रूवमेंट रिसर्च करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आपको नेमिंग करना ज़रूरी होता है, और इसलिए नेमिंग भी की जाती है। और ये जो नेमिंग है ये बेसिकली जिम्मेदारी होती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, ये इसकी गाइडलाइंस होती हैं, इसके बेसिस पे नेमिंग की जाती है। और WMO या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वो उसने क्या किया है, उसने अलग अलग जोन्स क्रिएट किए हैं, चाहे पैसिफिक ओशन में अटलांटिक ओशन में अलग अलग जोन्स क्रिएट किए हैं, इंडियन ओशन रीजन में इस जगह पे, फिर साउथ चाइना सी रीजन में, हर जगह पे इसने कई सारे जोन्स क्रिएट किए हैं, और उन जोन्स में सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है जो वहाँ के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जैसे इंडियन ओशन रीजन में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास जिम्मेदारी है। तो जब नेमिंग की जाएगी तो नेमिंग में क्या होगा, सभी जोन में, मान लो अटलांटिक ओशन का ये जोन है, तो यहाँ पे जो देश हैं जो इस जोन के अंदर आते हैं वो अपने नाम सबमिट करेंगे, अपना जो नाम है वो सबमिट करेंगे, एक लिस्ट प्रिपेयर होगी, तो जब भी हरिकेन आएगा तो उस लिस्ट से नाम दिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अगर मान लो बहुत बड़ा हरिकेन आ गया, जैसे ये डोरियन बड़ा हरिकेन है, तो अब इसका नाम इसको रिटायर कर दिया जाएगा, मतलब इसका जो नाम है ये अब दोबारा से यूज़ नहीं होगा। अगर मान लो कोई छोटा सा कोई हरिकेन आया पता ही नहीं चला, तो वो फिर नाम दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। तो ये क्या है, हर जोन में जो देश होते हैं वो अपनी लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, और उस लिस्ट मतलब लिस्ट में नाम प्रोवाइड करते हैं, और रोटेशन के बेसिस पे नेमिंग की जाती है। ये बेसिक चीज़ है जो आपको नेमिंग से रिलेटेड याद रखनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन की अगर आप बात करो, तो ये जो अभी हमने डिस्कशन किया है ये मेनली आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड है। व्हेन यू टॉक अबाउट टेम्परेट साइक्लोन तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है, तो उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे, बट आपको ये सिर्फ याद रखना है कि व्हेन यू टॉक अबाउट टेम्परेट साइक्लोन तो टेम्परेट साइक्लोन में फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। फ्रंट भी अलग एक सेपरेट टॉपिक है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, मतलब आगे कभी हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे जो टॉपिक्स हैं
जैसे मैंने आपसे हाईलाइट किया है, ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे अभी हमने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर ली, अभी करंट अफेयर के नाम पे आप सिर्फ कितना करोगे कि डोरियन एक यूएसए में हरिकेन आया है और आपका करंट अफेयर ख़त्म। ये जो अप्रोच है ये आपको किसी दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन यूपीएससी में ऐसी अप्रोच नहीं चाहिए। यूपीएससी में इन जनरल आपको ये समझना है ये आपके लिए थीम है, और इस थीम से कौन सा इशू अराइज हो सकता है, कौन से सब टॉपिक अराइज हो सकते हैं, वो आपको स्टडी करना है, वहाँ से क्वेश्चन पिक हो सकता है। तो ये जो करंट अफेयर का मेरा कोर्स जो चल रहा है इसको आपको ज़रूर करना है, और ऐसे ही टॉपिक्स हम कवर भी कर रहे हैं, बहुत सारे हमने टॉपिक्स को कवर किया है। तो एटलीस्ट अभी 7 डेज़ का जो ट्रायल पीरियड चल रहा है आप उसको यूज़ करो, ये फ्री ट्रायल है, इसमें कुछ आपका चार्ज भी नहीं है। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो और क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दो, ठीक है। 7 डेज़ के लिए आप क्लास अटेंड करो, आपको लगेगा कि कैसी क्लासेस हो रही हैं, और बाद में फिर आपको ये रेफरल कोड यूज़ करना है, SPLIBE, ये रेफरल कोड यूज़ करना है, अप्लाई प्रेस करना है, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10% पूरे साल के लिए, क्योंकि ये कोर्स आपका अप्रैल 30th तक चलेगा, और आई थिंक मई में आपका प्रीलिम्स है, तो वो पूरा का पूरा जो करंट अफेयर्स का बर्डन है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको फिर इधर उधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको सिर्फ अपने जो नोट्स हैं उन पर फोकस करना है, रिविज़न करना है, और जो समय बचेगा आप दूसरे सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट टीच एंड एवरी स्टूडेंट कि 11 AM को एक क्लास है, आप एटलीस्ट फ्री ट्रायल पीरियड का जो टाइम पीरियड है उसमें आप क्लास आके अटेंड करो और देखो कि कैसा होता है, और जब आप 7 डेज़ के बाद जो अगर आपका मन करता है, सही आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी होती है, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप SPLIBE रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप मेरा कोर्स तो करेंगे ही, साथ में दूसरे जो टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के उनके भी आप क्लासेस कर सकते हैं, मतलब सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेस आप लाइव अटेंड कर सकते हैं, प्लस इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगे, टेस्ट सीरीज़ भी होगी, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, जितनी भी UPSC की प्रिपरेशन के लिए चाहिए सभी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। सो आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अनअकैडमी स्टूडियो राइस को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू।